फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, तनिष्का के लिए मैंने फर्स्ट क्राई से शॉपिंग करी है कुछ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये हॉल। सो फर्स्ट क्राई से मैंने फर्स्ट टाइम ही शॉपिंग करी है, मैंने आज से पहले इसे कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत पहले थोड़े चीज़ों से करी जाए और अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी रहती है, तो फिर मैं आगे वहाँ से ऑर्डर करूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो ये वीडियो एक मिनी हॉल होने वाला है, बेसिकली मिनी फर्स्ट ट्राई हॉल, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का आउटफिट मैंने मंगाया है ये वाली एक फ्रॉक, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी सी एक फ्रॉक है। इसमें इसका जो नेम है वो है स्प्लैश ऑफ कलर्स, और यहाँ पे मतलब ये एक बो की डिटेलिंग दे रखी है, एंड बैक में इसकी ये जिपर है ताकि ईजिली पहनाया जा सके और उतराया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे ये कट स्लीव की फ्रॉक है, एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और फैब्रिक तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि यार देखो, मैं अभी भी कर रही हूँ ना, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, मज़ा आ जाता है पहन के। और अंदर की तरफ इसमें ये लाइनिंग दी गई है, जिसकी वजह से ये फ्रॉक और ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है। ये मैंने फ्रॉक को 3 से 4 बार ही वॉश कर लिया है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मुझको रिसीव हुई थी, एग्जैक्टली इसकी क्वालिटी अभी भी वैसी ही है। तो इसमें मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ ये वाली फ़्रॉक लेके, और तनिष्का उसको पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। तो ये पहला आउटफिट ये है, इसका जो भी प्राइस वगैरह है, ब्रांड कौन सा है, वो सब कुछ मैं स्क्रीन पर डालूं। आउटफिट है ये एक पेपलम टॉप, सो ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है, बेसिकली राखी के लिए मैंने मंगवाया था, क्योंकि राखी में क्या होता है ना कि बच्चे अनकंफर्टेबल फील ना करें, तो मैं कुछ ईजी मतलब हल्का कम्फर्टेबल आउटफिट चाह रही थी। तो ये पेपलम टॉप है, देखो यहाँ से ये मतलब स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, और आगे यहाँ पे 2 बटन्स हैं ताकि ईजीली पहनाने उतराने में ईजी हो, और यहाँ पे ये चीज़ फ्रिल्स है। तो ये भी मैंने अभी एक बारी वॉश कर लिया है, क्योंकि कोई भी नया कपड़ा मैं लेके आती हूँ तो उसको मैं पहले वॉश ही करती हूँ, उसके बाद ही पहनाती हूँ। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मतलब जितना धोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, वो वाला मटेरियल है। तो आप देखिए इसके अंदर जो प्रिंट्स है ये काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहे तो इसको मतलब किसी लेगिंग के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं और जीन्स के साथ भी। मैंने पर्सनली तनिष्का को डेनिम ब्लू कलर की जीन्स के साथ इसको पहनाया था, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, देखना ज़रूर। थर्ड आउटफिट मैंने मंगवाया है ये नाइट वेयर, सो बेसिकली नाइट सूट है शॉर्ट वाला, तो ये इस तरीके का ब्लू कलर का इसका शॉर्ट है, पोल्का डॉट्स प्रिंट बना हुआ है इसके ऊपर, और ये बेबी हग ब्रांड से हैं, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए कितना सुंदर इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है पूरा, ठीक है, और इस तरीके के जो कॉलर्स होते हैं ना, ये वाले कॉलर वाले मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं नाइट सूट्स। और यहाँ हाफ स्लीव वाला है और पोल्का डॉट्स बनी हुई है, और यहाँ पे देखो ये किटन्स वगैरह और किटन के होम वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत मतलब कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। एंड ये है ना, ये टिच बटन के साथ आते हैं, टिच बटन की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ईजी टू वियर हो जाता है। और ये जितने भी आउटफिट्स मैंने मंगवाए हैं ये सारे 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए है, तो मेरे को प्राइजेस भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, एंड क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरे को। और लास्ट पीस है हमारा, ये मैंने एक बुक मंगवाई है, ये है गुड हैबिट्स एंड मैनर्स की बुक्स, ये बहुत अच्छी बोर्ड बुक है, क्यों अब देखो इसमें तनिष्का ने ना क्ले वगैरह लगा के इसको मतलब अच्छे से यूज़ कर लिया है, तो ये तनिष्का डेली पढ़ती है, और बच्चों को ना ये गुड हैबिट्स इनकलकेट करने में हेल्प करती है, कि आप इसमें दिखा दिखा के बच्चों को, चाहे हिंदी में सिखाए चाहे इंग्लिश में सिखाए, मतलब बेसिकली बच्चों को सिखाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये बहुत अच्छी बोर्ड बुक है, इसके अंदर काफ़ी सारी गुड हैबिट्स गुड मैनर्स हैं, ठीक है, तो ये मैंने एक बोर्ड बुक मंगाई है। इट्स ऑल फॉर टुडेज मिनी फर्स्ट ट्राई हॉल। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे शॉपिंग करके, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के मेरे को ऐसा लगा कि प्राइस थोड़े से हायर हैं, लेकिन अगेन अगर क्वालिटी को ध्यान में रखें तो वो बिल्कुल रीज़नेबल हो जाते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा शॉपिंग करके। आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा हो, और तनिष्का की क्यूट वीडियोस फ़ोटोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और आप नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए रेलिवेंट कॉन्टेंट लाने की। एंड एक सीक्रेट बताती हूँ आपको कि फर्स्ट क्राई पे ना अभी लेटेस्ट सेल चल रही है, राखी सेल, अगर आप उसमें अच्छी डील्स हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड को ज़रूर यूज़ करना, ताकि आपको 50% ऑफ तक का आपको बेनिफिट मिल पाए।